आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें जी। पीओ के बॉर्डर के करीब कश्मीर इंडिया कश्मीर के अंदर एक स्कूल है, उसके बच्चों के साथ ये मेरी बहन इंटरव्यू कर रही हैं। राज धर्मा चैनल का नाम है, चैनल भी बता रहा हूँ, अगर किसी ने देखा जाएगा इसको सर्च कीजिएगा, राज धर्मा चैनल है। तो बड़ी शानदार होने वाली वीडियो, किस तरह की सोच है बच्चों की, क्या पढ़ाया जाता है, उधर के टीचर्स के साथ होने बड़ी मजेदार होने वाली वीडियो, पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। मैं फिलहाल कश्मीर में मौजूद हूँ और आपको मैं बॉर्डर के आखिरी स्कूल से इन बच्चों से मिलवाने का प्रयास कर रही हूँ, इस स्कूल से मिलवाने का प्रयास कर रही हूँ। ये बॉर्डर का आखिरी स्कूल है, यहाँ की परेशानियाँ अलग हैं, यहाँ के आप ये कहेंगे सफलताएँ अलग हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलिए बॉर्डर के आखिरी स्कूल में चलते हैं और यहाँ पे बच्चों से जाकर के बातचीत करते हैं, यहाँ के टीचर से बात करते हैं कि यहाँ के भैया यहाँ पर क्या माहौल होता है। और यहाँ से बहुत पास में जो है वो बॉर्डर है, बहुत पास में, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से बॉर्डर? आधा किलोमीटर होगा। आधा किलोमीटर मतलब यहाँ से सिर्फ बॉर्डर है, मतलब 500 मीटर जो है वो यहाँ से बॉर्डर है। और ये जो आपको स्कूल है, अरे गिर जाओगे नीचे, बस बस ऐसे। क्या नाम है? अपनी बातों को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आज। क्या नाम है? रिद्धा। हाँ रिद्धा। खाना नहीं खाया तो ज़ोर से बोलो। रिद्धा। रिद्धा कौन सी क्लास में पढ़ती हो रिद्धा? KG। ABCD आती है? हाँ नहीं आती? छोटे बच्चे ABCD आती है? सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। क्लैपिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा क्या नाम है? अलीशा। अलीशा, अलीशा को कक कक आता है? हिंदी नहीं पढ़ाते? अच्छा ठीक। ABCD आता है? जी। ए फॉर एप्पल। सी फॉर कैट। एफ फॉर एलिफेंट। एफ फॉर एफ एफ फॉर फिश। फिश। क्लैपिंग इसके लिए भी। चलिए और भी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। क्या नाम है? आमना। आमना कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। फर्स्ट में हो। 1+1 कितना होता है? 1+1 चार तो नहीं होता है, दो होता है। क्लैपिंग आमना के लिए। ये छोटे छोटे बच्चों से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप अगर बच्चों के पास आकर के जब इनको इतना प्रोग्रेसिव देखते हैं ना तो दिल में खुशी होती है कि ये हमारे कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? हरीम। हाँ हरीम। हरीम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट। फर्स्ट में। और 2+2 कितना होता है? 3। 2+2 3? 4 होता है। किसने बताया था 4? मैंने। क्या बात है, पढ़ाई में बहुत मजा आता है। हाँ बताओ जी। बड़े होकर के क्या बनना है? आओ डन। IPS बनना है? अरे बाप रे भैया, इनको IPS बनना है। क्यों बनना है IPS? किसने बताया कि IPS कौन होता है? ऑफिसर बनना है। बहुत अच्छे सपने हैं, बहुत अच्छे सपने। थोड़ा सा बड़े बच्चों से भी बात करते हैं। मुझे तो छोटे छोटे बच्चों से इतना अच्छा लग रहा है बात करके। थोड़ा लड़कों से भी पूछ लिया जाए क्या कि सिर्फ लड़कियां ही बाजी मारेंगी इसमें? तुम्हारे क्या लड़के तुम्हारा नाम क्या है? आकिब। आकिब आपकी कौन सी क्लास में पढ़ता है? फर्स्ट। ABCD आती है आकिब को? जी। जेड फॉर जेब्रा। जेबरा। चलो लड़के भी बड़े तेज तरार है भाई, यहाँ के तो टीचर सच में नतमस्तक होने वाले हैं क्योंकि यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, बच्चों को इतने अच्छे तरीके से मतलब यहाँ पे सिखा रहे हैं। हमारे देश का नाम क्या है? चलो हमारे देश का नाम क्या है? कश्मीर। ओ हमारे देश का नाम क्या है? इधर आओ, तुम्हारी छोटी बहुत प्यारी है। क्या है हमारे देश का नाम? कोई बात नहीं, हम किसी और से। हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया अब तो सबने सुन लिया। और हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया स्पेलिंग आती है इंडिया की? नहीं। नहीं किसी को आती है स्पेलिंग आती है? स्पेलिंग आती है। स्पेलिंग आती है क्या होती है इंडिया की स्पेलिंग? INDIA। वाह INDIA इंडिया की स्पेलिंग भी इन बच्चों ने बताया। कौन सी क्लास में बच्चे? फोर्थ। फोर्थ में।
आपका नाम क्या है? अलीजा। अलीजा, अलीजा की स्पेलिंग क्या होती है? ALEEZA। क्या बात है। सोचिए जब ये बच्चे, अगर इनको अच्छी शिक्षा मिले तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे ना, वो आप भी नहीं पता कर सकते हैं कि कहाँ ये बच्चे जा करके क्या करने वाले हैं, ये आप हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। ये इतने छोटे छोटे बच्चे, आप थोड़ा सा इनके टीचर से बात करते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ। मालूम है कि आप बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। थोड़ा सा टीचर्स के पास चलते, थोड़ा सा मुझे जगह दोगे बच्चों जाने के लिए? आपकी टीचर से हम बात करते हैं। आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? ज़ैनब जान। ज़ैनब, कब से इन बच्चों को आप सिखाते हो? जी जी, हम बहुत सब अच्छा। अरे गिरो मत बच्चों, गिरो मत। सभी सिखाते हैं, सभी सिखाते हैं। जी जी। तो आठवीं तक है ये स्कूल? हाँ, एट तक है। एट तक है। एट तक। आपने इधर ही, मतलब इधर ही आसपास में ही पढ़ाई की थी आपने भी? हाँ, यही स्कूल था समझ लो, स्टार्ट से यहीं से, तो ईशम स्कूल, हाई स्कूल से। अच्छा, फिर उड़ी में। फिर उड़ी में आप गए। तो अगर इन बच्चों को, ये इन बच्चों के लिए आठवीं के बाद नौवीं दसवीं करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? ईशम जाते हैं बच्चे हमारे। कितने दूर है ईशम? ईशम 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर दूर होगा। फिर टेंथ के बाद 11th 12th करने के लिए उड़ी जाते हैं। उड़ी, वो यहाँ से कितनी दूर है? वो यहाँ से 14 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर है यहाँ से उड़ी, जो इनका स्कूल है। ठीक है। फिर कॉलेज करने के लिए? कॉलेज के लिए भी उड़ी। उड़ी, उड़ी। पहले कॉलेज था उड़ी में? नहीं, पहले नहीं था, अब हो गया। अच्छा, तो थोड़ा सा मतलब जब कॉलेज नहीं था, तो अगर आपके समय पे कॉलेज होता उरी के अंदर, तो क्या आप और ज़्यादा पढ़ती और ज़्यादा निखरती? हाँ, पढ़ते तो फिर उस वक्त टाइम भी थोड़ा ऐसा ही था, समझ भी इतनी नहीं थी कि तालीम का आगे के, आज तो बड़ी कदर आती है इंसान को, आज सोचता आगे तक गए होते इंसान पढ़ते, उस वक्त तो काम ही तालीम मिलती थी। और क्या, कौन सी तालीम मिलती थी? काम ही, थोड़ा आम, ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते थे ना, काम काम नहीं पढ़ते थे हर कोई। अब क्या सोसाइटी में चेंज क्या रहा है, मुस्लिम सोसाइटी में अब क्या चेंज आ रहा है? ठीक ठाक है सब कुछ। अब बच्चों को पढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है? सब सब देते हैं, हाँ, जोर। आज तो क्या बोलते हैं, तालीम ही तालीम है सब कुछ। क्या बोलते हैं? पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ाई से ही सब कुछ मिलता है। और क्या, पढ़ाई से ही सब कुछ मिलता है, रोशनी है। अच्छा, इस स्कूल में जब मैं आई तो यहाँ पे मैंने एक अनोखी बात भी सुनी कि यहाँ पे आर्मी के साथ, क्योंकि मैं दिल्ली में, मैंने मेरी पढ़ाई स्कूलिंग सब कुछ दिल्ली में हुई है, और जो मेरे कैमरा चला रहे हैं आकाश, वो कानपुर और यूपी में, और साथ में जो गौरव हैं वो मतलब यूपी से हैं, मतलब हम लोग सब लोग, मैं रहने वाली वैसे बिहार की, पढ़ाई लिखाई मेरी दिल्ली में हुई है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि जो प्रोग्राम, जो टूर, जैसे बच्चों का, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं आकाश, उनको दिखाइए, तो ये जो इन बच्चों का टूर जो है वो आर्मी के साथ हो, लेकिन इन बच्चों को साथ इतना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आर्मी के साथ इनका मतलब मेल जोल एक अच्छा रहे, एक फ्रेंडली, एक इनको एक मतलब वातावरण मिले, तो इसलिए इनको आर्मी जो है वो टूर भी करवाती है इन पहाड़ी स्कूलों के बच्चों को। और दूसरा क्या होता है कि जब ये 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, तो ये चूँकि ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, तो उसके बाद मैं आपको टीचर से यहाँ पर बात करके बताती हूँ। आप आइए इधर, आप इस तरफ। 15 अगस्त और 26 जनवरी जब मनाते हैं, कहाँ पे मनाते हैं सबसे पहले ये बताओ? हम इधर कमान अमन सेतु के पास, जो लास्ट पॉइंट है इंडिया, कमान अमन सेतु के पास। आप सभी इन बच्चों को लेकर जाते हैं? जी हाँ, सभी को लेकर जाते हैं। आर्मी की गाड़ी होती है, उसी में सभी को लेकर जाते हैं आगे। आर्मी की गाड़ी होती है, उसमें आप इन बच्चों को बिठाते हैं और कमान सेतु लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पे झंडा, हाँ, वहाँ पर झंडा भी लहराते हैं। हाँ। सभी प्रोग्राम होता है, अच्छा प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो उस समय जब हमारे राष्ट्रगान जब आप लोग गाते होंगे, तब तो अलग ही जोश होता होगा? हाँ बिल्कुल, वो तो अलग ही जोश होता है। क्या जोश होता है, थोड़ा सा मुझे बताइए। अच्छा, सभी उस साइड से भी देखते हैं, POK वाली साइड से भी देखते हैं, तो एक अच्छा जोश होता है, वलवला आता है, बच्चों में भी होता है। अच्छा, वो लोग ऐसा नहीं बोलते कि हम भी यार आपके साथ ही आना चाहते हैं, तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी, चलिए, तो एक अलग एक्सपीरियंस जो है वो इन बच्चों को भी देखने को मिलता होगा उस समय जब भारत माता की जय बोलते होंगे, या फिर जो राष्ट्रगान अगर आप गाते होंगे, तो एक अलग फीलिंग जो है। बिल्कुल, एक अलग फीलिंग, एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा जी, कौन कौन ऐसा बच्चा जो अभी 15 अगस्त के दिन वो कमान सेतु पे गया था? अब थोड़ा सा मैं नीचे आ जाती हूँ। सब लोग गए थे आप लोग? तो अब हाँ, आप गए थे? गए थे आप? हाँ जी मैम, तो बहुत जल्दी बोला, गए थे? यस। क्या किया था वहाँ पे? डांस। कौन से गाने पे डांस किया था? वेलकम सॉन्ग। वेलकम सॉन्ग पे? वेलकम का कौन सा गाना है? इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में है, तो उस पे डांस किया था। थोड़ा सा आप मुझे करके दिखाओगे कौन सा डांस किया था? दिखाओ, ये करके दिखाओ, स्टेप याद है? दिखाओ,
फटाफट करके दिखाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, गिरना नहीं है, गिरना नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं करो, थोड़ा सा शर्माना नहीं है, करो करो, दिखना चाहिए। हाँ चलो आगे करो। गाना किसी को याद है? किसी को याद है गाना? हाँ, ताली बजाते रहो थोड़ा सा। चलो डांस डांस करो थोड़ा सा। हाँ हाँ करो करो। गाना किसी को मालूम है? तो ये था कौन सा, किसी को याद है? सर बजाइए थोड़ा। नहीं गाना मत बजाइए, कॉपीराइट आ जाएगा ना हमारे पे, कॉपीराइट आ जाएगा तो बिना गाने के। कितनी अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर। बड़े साहब। बड़े साहब, ये बड़े साहब कौन है? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। यस। आपका नाम क्या है? अरिबालताफ। अरिबालताफ। अरिबालताफ क्या मतलब होता है? अरिबालताफ का कोई बात नहीं, छोड़ो। याद है? हाँ याद है। अकलमंद। हाँ अकलमंद। अकलमंद। यस मैम। मुझे लग भी बहुत अकलमंद रही हो। कौन सी क्लास में? सेवेंथ। सेवेंथ में हो। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ। मैथ लगता है। तो सेवेंथ में तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा? नहीं मैम, अभी नहीं है। अभी नहीं है। एट्थ में है। तो क्या बड़े होकर क्या बनने का मन है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। यस मैम। क्या बात है। उसके लिए क्या पढ़ाई करनी होती है? उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन करनी होती है, फिर यूपीएससी के लिए करनी होती है, 18 मंथ्स की होती है। अच्छा। यस मैम। ये सब आपको किसने बताया? किसी ने भी नहीं। आपने खुद से? यस मैम, खुद से सीखा। खुद से सीखा। और आपका मन क्यों किया कि आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है? आईएएस बनना है। क्या फ़र्क होता है आईपीएस और आईएएस में? बहुत फ़र्क होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश की सेवा करूँ, इसीलिए मैंने ये चुना, ये वाली ड्रीम रखी अपनी। कैसे सेवा करोगे अपने देश की? बहुत सारी चीज़ें मैम। क्या बात है, सब इसके लिए एक बार ताली बजाओ, क्योंकि उस बच्चे ने इतना अच्छा बोला है कि मतलब इस जगह, जिस जगह मैं खड़ी हूँ, पीओके के नज़दीक है ये, गिरो मत भाई, गिरो मत, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे इसने बात बोली है, मुझे अपने देश की सेवा करनी है। जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं उनको क्या जवाब दोगे? करारा जवाब। यस मैम। क्या दो? जो बोलेंगे उसका उल्टा दूंगी। जो बोलेंगे उसका उल्टा? हाँ मैम, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपने देश के खिलाफ? डर नहीं लगता आपको? किसी से डर नहीं लगता? नहीं लगता मुझे। नहीं लगता? नो मैम। चलिए। हाँ किससे? अल्लाह से। अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह से सब डरते हैं, तो हम नहीं डरेंगे बच्चे? अच्छा। इस बच्चे ने जो बोला है वो थोड़ा सा मतलब मैं खुद भी एक, उधर आओ इधर आओ। ये आपको ये किसने सिखाया कि अल्लाह सबसे बड़े? अल्लाह दीदी ने। हाँ दीदी ने। दीदी ने सिखाया? सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर, उस वाली ने। किस वाली ने? ये बड़ी दीदी लगती है। इसने सिखाया? और ये तो बोल रहे मैं किसी से नहीं डरती हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये वो आपके दीन ईमान की बात है, उसकी मैं बात नहीं करती। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आप कश्मीर का, आप तो सेवन्थ क्लास में, मैं क्या बात करूँ इस बच्चे से यार, सेवन्थ क्लास में बच्ची है। आपने कश्मीर का इतिहास आपने पढ़ा है? कैसा रहा है हिस्ट्री यहाँ का, पढ़ा है? नहीं मैम, अभी नहीं पढ़ा है, ये आगे आगे क्लास में आते हैं। आगे वाली क्लास में आता है? आगे वाली क्लास में आता है। जैसे यहाँ पे बोला, इनको नहीं पता होगा, ये हायर क्लासेस में होता है। चलो कोई बात नहीं। आपका नाम क्या? मेरा नाम आयशा है। आपको क्या बनना है? मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है। आपको भी आईएएस? ये देखा देखी या फिर? नहीं मैम, मुझे मेरा मतलब ड्रीम ही यही है और एम भी यही है, मतलब मुझे बनना ही यही है। बनना ही यही है? यस मैम। सोच लिया है? यस मैम। क्यों क्यों सोचा, मतलब इसने तो बोला मुझे देश की भक्ति करनी, मतलब देश का सेवा करना है मुझे। आपने बनना है तो हमें भी यही करना है ना आगे, जैसे बाकी के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी देश की सेवा कर रहे हैं और हमें भी करनी है, इसलिए मेरे ड्रीम भी यही था कि मैं भी देश की सेवा करूं, और मतलब ये मेरे बचपन से ही ड्रीम है।
बचपन से? अभी कौन सा ज़्यादा बढ़िया, अभी भी तो बचपन ही चल रहा है तुम्हारा, बहुत छोटी हो तो सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में मज़ा आता है पढ़ने में? मुझे मैथ और साइंस में मज़ा आता है. मैथ और साइंस में? कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ में. सिक्स्थ में हो अभी आप? सिक्स्थ में हो, अच्छा. तो सिक्स्थ में फोटोसिंथेसिस मेरे ख्याल से आ गया साइंस में. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? यहाँ पे अगर चूक करोगी तो नहीं बन पाओगी आईएएस आईपीएस, जो भी सपना होगा बहुत गंभीरता से लेनी होगी, ठीक है? किसी को मालूम है फोटोसिंथेसिस? बताओ. अगर वो वाली प्रोसेस नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना बड़ी मुश्किल है अर्थ पर. यस मैम, प्लांट्स में ये होता है. फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं? वो एक प्रोसेस होती है फूल पतनी. पढ़ाई पे मालूम है आप लोगों ने बहुत बड़ा सपना देखा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा आपको दृढ़ निश्चय करके अपने आप को पढ़ना भी पड़ेगा ताकि आप उस सपने को अचीव कर पाओ. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो आप लोगों का बहुत अच्छे से मतलब वो करें, आप लोगों पर ध्यान दें, स्कूल की सुविधा और मतलब आप ये कहिए कि कॉलेजेस की सुविधा जो है वो इन बच्चियों के लिए अगर अच्छी की जाए तो शायद ये बच्चियाँ जो हैं वो और पढ़ सकती हैं और लिख सकती हैं. यहाँ पर जो टीचर्स हैं मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी. भाई साहब आपकी एजुकेशन क्या है? बीए बीएड है जी सर. अच्छा, तो आप सभी लोग जनरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं मतलब? नहीं नहीं, जनरल. फर्स्ट टू एट जो है ये जनरल है. अच्छा. इसमें सब कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं. कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं. फर्स्ट टू, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं. अच्छा. तो यहाँ पे पास में पाकिस्तान है, तो इन बच्चों को पाकिस्तान के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, हमने इनको यही बताया कि वो तो अलग मुल्क है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उधर ही रहे, हम अपने मुल्क में रह रहे हैं और इधर हम अच्छी तरह से रह रहे हैं. और हम इनको यही एजुकेशन देते हैं भाई कि आप मेहनत से पढ़ें, क्यों बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड. तो इनको वो जो टैलेंट है वो बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे मुल्क में ये कहीं आईएएफ जो ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वहाँ उस लेवल तक इनको एजुकेशन मिले ताकि वो बन पाएँ और अपने मुल्क की भी सेवा करें. जी मैम, मुल्क की भी सेवा करें. तो मतलब अभी इनके जैसे स्कूल, जैसे मैंने ये देखा है, इस स्कूल का नाम है, क्या नाम है इस स्कूल का? ये मिडिल स्कूल अड़ूसा है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अड़ूसा. गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अड़ूसा. तो जैसे मैंने ये सुना है कि मुस्लिम समाज में क्या होता है कि लड़कियों को उतना वो नहीं करते हैं, मतलब पढ़ने का वो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या? नहीं मैडम, ये तो यहाँ हमारे स्कूल में ज़्यादा लड़कियाँ आपको दिखाई दें, लड़के बहुत कम हैं ज़्यादा. ये बदलाव कब से हुआ है? ये पहले से ही है. यहाँ कोई भी आपको इलिटरेट नहीं मिलेगा, मतलब सब पढ़े लिखे मिलेंगे, अच्छी डिग्रियों वाले. तो बेरोजगारी ज़्यादा है, पढ़ा लिखा हर एक आदमी मिलेगा. पढ़ा लिखा हर एक आदमी. शायद ये भी एक कारण है कि जिस वजह से ये जो बॉर्डर का जो गांव है, बॉर्डर के जो ये गांव है वो सबसे ज़्यादा बोला जाता है. मुझे ये बताया गया कि उरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नेशनलिस्ट लोग जो है वो मिलेंगे. ये श्रीनगर में या फिर उस तरफ जो ऐसे आपको लोग मिलेंगे वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे. नहीं मिल नहीं, यहाँ ज़्यादातर इंडियन लोग हैं, नेशनलिस्ट हैं, इंडिया को मानते हैं. हाँ, और आज़ाद कश्मीर की जो मांग करते हैं उन पर क्या सोचते हैं आप लोग, क्या सोच रखते हैं उनके ऊपर? नहीं, हमें ये ठीक है, हिंदुस्तान ही ठीक है, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते मैम, क्योंकि वहाँ की हालत जो है वो तो गंभीर बनी हुई है, वो हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं. उनकी अपनी हालत ख़राब है तो हम अगर उनके साथ जाएंगे तो हमारी वही हालत हो जाएगी. यहाँ हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम डेवलपमेंट हो भी रही है यहाँ पर, अच्छी बेटर एजुकेशन मिल रही है बच्चों को और हमें भी, और यहाँ पर हर गाँव गाँव जो भी है काम तरक्की पर हैं, हर गांव में काम हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में, तो इसलिए वहां जाकर तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो न कोई जाना जाता है. तो हमारा मुल्क जो है हम यहीं रहना पसंद करते हैं, यहीं रहना पसंद करते हैं. अच्छा, जैसे आर्मी का मुझे बताया गया ऑफ कैमरा कि बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, एम रोल रहता है हमारे साथ, एम रोल रहता है आर्मी का, हमारी हम मदद करती है जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, आर्मी हमारा स्कूल के बच्चों के साथ कैसा? स्कूल के बच्चे हर हफ्ते में कम से कम कमान में ले जाते हैं, वहाँ इनके प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इनके लिए रिफ़्रेशमेंट्स होती है, इनके लिए गाड़ी का इंतज़ाम वो खुद करते हैं, यहाँ से गाड़ी में बैठा के लेते हैं, वहाँ से फिर वापस वो यहाँ ला के छोड़ते हैं. अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम इनसे रब्ता करते हैं, फ़ोन पर करते हैं, तो ये हमें बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, मतलब 24 घंटा आप लोगों के लिए तैनात रहते हैं किसी भी तरीके की मुश्किल आ जाए.
किसी भी तरह से ये हमारे साथ ही हैं, किसी भी तरह की मुश्किल आए हम इनसे रब्ता कर लेते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं, हमारे स्कूल की हेल्प करते हैं, हमारे स्कूल में आते हैं, इनके पास हम जाते हैं, अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरत होती हम इनके पास चले जाते हैं। यहाँ नीचे आर्मी जो है वो इन बच्चों के साथ मिलकर के कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी करती है जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं वो उनके साथ, ये बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, जैसे ही इनको बोला जाता है कि आज कमान पर जाना है तो छोटे बच्चे सबसे पहले हमें तैयार हो जाते हैं, कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता है ना। अच्छा, तो हर बार ही हमें क्या होता है, जिस दिन कमान का नाम होता है तो स्कूल को हमें फिर यहाँ कोई नहीं रहता, स्कूल में खाली हो जाते हैं, बच्चे सारे ही तैयार हो जाते हैं कि हम कमान पे जाएंगे, हम प्रोग्राम करेंगे, मतलब वहाँ प्रोग्राम ही के लिए नहीं जाते हैं, बस वहाँ ये एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इनके लिए रिफ्रेशमेंट होती है, हर एक चीज़ आर्मी की तरफ से होती है। यहाँ पर तो जैसे बहुत सारी हिस्ट्री भी है, उरी की अपनी एक हिस्ट्री भी है, तो क्या आप इन बच्चों को बताते हैं कि जैसे इस, जैसे यहाँ पर नंद सिंह ब्रिज के बारे में बताया गया है कि वो 1946 में या फिर पता नहीं 60s में उसको उड़ा दिया गया था आर्मी वालों की तरफ से, ताकि जो दुश्मन है वो अंदर ना आ पाए, तो ऐसे सब हिस्ट्री इनको बताते हैं आप लोग? देखो मैम, वहाँ जब ले जाते हैं ना हम, वहाँ इनको फोटोग्राफ्स से लगे हुए उनके बारे में हम पूरा दिखाते हैं इनको, ये मतलब नंद सिंह थे, ये वो जुम्मा क्या नाम था उनका, जुम्मा कर्नल थे, उनकी तस्वीर वहाँ बनाई हुई है, उनके बारे में हम पूरी इनको हिस्ट्री दिखाते हैं। और किसी को मालूम है क्या हिस्ट्री के बारे में, जैसे नंद सिंह ब्रिज की या फिर जैसे आपके उरी में बहुत कुछ है, तो किसी को मालूम है हिस्ट्री थोड़ी बहुत? जब आप लोग जैसे कमान सेतु जाते हैं, हाँ कमान सेतु जाते हो, कमान सेतु क्या है मालूम है किसी को? हाँ क्या है वो? हमारी बॉर्डर है ना, वो सबसे लास्ट ब्रिज है हमारी बॉर्डर की। अच्छा, यस मैम। हाँ, वो उस ब्रिज का नाम है कमान अमन सेतु। हाँ, यस मैम। अच्छा, मतलब कमान अमन सेतु है। जब आप लोग जाते हो जैसे आर्मी के साथ, जैसे आप लोग जाते हो तो आप लोगों को डर नहीं लगता? नो मैम, किस बात का डर? बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम सब बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आज हमें कमान जाना है। वहाँ हमें स्पोर्ट्स खिलाई जाती हैं और भी बहुत चीज़ें दिखाई जाती हैं। क्या क्या खिलाया जाता है? हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, सबसे पहले हम वहाँ करते हैं पेंटिंग, फिर हम खेलते हैं गर्ल्स खेलती हैं या शटलकॉक या कुछ और, या शटलकॉक या बैट या बैडमिंटन खेलती हैं कुछ और, या बॉयज़ खेलते हैं ये फुटबॉल वगैरह वगैरह, ऐसी मैनी अदर्स गेम्स। अच्छा, आर्मी वाले अंकलों से आपको डर नहीं लगता कि वर्दी में है, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गन है? किस बात का मैम डर, किस बात का, हमें बिल्कुल उनसे नहीं डर लगता। कैसा लगता है उनके साथ? हमें उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं उनके साथ, हमें बहुत अच्छा लगता है। यस मैम। बड़ी बड़ी बंदूकें देख के खौफ? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, हमें कुछ डर लगता उनसे। ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है उसका ये मुंह तोड़ जवाब है, ये छोटे भाई इसको किसने सिखाया होगा? कितनी उम्र है बेटा? मेरी 12 इयर्स। 12 साल की ये बच्ची है और ये मुस्लिम लड़की है और ये इस बात को कह रही है कि मुझे आर्मी के साथ बहुत सेफ महसूस होता है, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं अमन कमान सेतु पर जाती हूँ, वहाँ पर जब मुझे गेम्स खिलाए जाते हैं, जब मुझे वो, क्या कोई बुरा बर्ताव करते हैं आर्मी वाले? बताओ, ये तो बहुत छोटी है, तुम बताओ। हाँ नहीं, जब जाते हो आप लोग आर्मी के गाड़ी में बैठ करके तो कैसा लगता है? अच्छा, पिकनिक जैसा लगता होगा एकदम? जी। हाँ जी। गाना गाते हुए सबसे अच्छा, कोई मुझे देशभक्ति सुनाओगे क्या? देशभक्ति गाना किसी को आता है? किसको? इसको सुना देशभक्ति। हाँ हाँ, आओ आओ आओ, कैमरा एंगल बढ़िया आना चाहिए, देशभक्ति गाना थोड़ा सा। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज ये दीवाने की, जा बोल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शान हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। क्या बात है, तालियां। आप सभी ने, मतलब
अब जब हम आम स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे भी देशभक्ति गाने हम लोगों से बच्चों से सुनते हैं, तो वहाँ पे वो फीलिंग तो आती है कि ठीक है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जब ये सारे गाने बजते हैं, लेकिन जब आप पीओके के नज़दीक एक आखिरी स्कूल बॉर्डर के स्कूल में खड़े होकर, ये छोटी सी बच्ची कहाँ गई, ये छोटी सी कितनी उम्र है बेटा, 13 ईयर, 13 साल की बच्ची है जो अपने देश को इतना समर्पित है, तो क्या ही इनका कोई माइंड वॉश करेगा। और जो शायद मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये बच्चे तैयार होते हैं तो 90 का दौर तो भूल जाइए कि कभी कोई आ सकता है। जैसे यहाँ के स्टेट जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं जैसे जो भी हैं, तो वो जैसे बोलते हैं कि आपने जब 370 हटाया तो आपको झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो आप देखिए ये इतने सारे लोग हैं, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो झंडा अपने आखिरी दम तक उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। किसी ने मुझसे दीदी कहा, कुछ बोलना किसी को नहीं, मुझे लगा किसी ने मुझसे दीदी कहा। तो इतनी बात थी मेरी इन बच्चों सबसे मैंने किया। एक बार जो है मैं इन बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी। और इस वीडियो को देख करके आप सभी लोग, जितने भी लोग थे, कोई यहाँ बोर नहीं हुआ हमारे साथ, जो भैया आए थे जो हमारी गाड़ी चला करके आए थे, कैसा लगा भैया आपको? आप इधर आओ, एक बार इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ। कैसा लगा आपको इन बच्चों से? बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर? बढ़िया महसूस कर रहे हैं बच्चे, देखे आप अच्छे प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे। आप कहाँ के? आप कश्मीर में? मैं वहाँ रहते हैं श्रीनगर। जी जी जी। अगर वहाँ पे पहले के स्कूलों में ऐसा माहौल होता तो क्या 90 वाला दशक आता? तब मैं वो बात तो याद आ रही। अब हम तो अभी कहाँ थे तो कहाँ होने थे इस टाइम। अब तो बढ़िया महसूस हो रहा है, सभी अच्छे, सभी अच्छा महसूस हो, सभी सभी पहले की गलतियाँ थी जिनको सुधारी जा रही है। जी जी। इसी के साथ धन्यवाद। आशा करूंगी कि आप सभी को ये मेरा वीडियो बेहद पसंद आया। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे, मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा। दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार मुझे ना सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन जो उनकी मोहब्बत वतनी थी ना, मतलब बच्चियों की जो एंड पे उन्होंने नजम पढ़ी है, वो तराना पढ़ा है, मट्टी पे मर मिट जाना, ओए होए होए, यकीन कर जाए स्वाद आ गया, चस आ गई उसकी। उसकी अलग ही मतलब क्या कह रहे हैं, खुशी है मतलब के देखने के पाकिस्तान और इंडिया का ये बॉर्डर है जीरो लाइन पे, कह लेंगे कि जीरो लाइन है, बिल्कुल जीरो पर, एलओसी पर है। अच्छा देखने के वहां से वो उसने जो माइक जिसने पकड़ा हुआ, उस लड़की ने पूछा है कि आप सर टीचर से पूछा है कि आप बच्चियों को पाकिस्तान आगे शुरू हो जाता है तो आप अपने बच्चियों को क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, बताते क्या है? वो कहते हैं हम उनको बताते हैं वो एक अलग कंट्री है और उसके मसाइल अलग हैं, हमारे हम इधर हैं, हम इधर खुश हैं खुशहाल, इससे ज्यादा मतलब कि कोई नेगेटिविटी नहीं पड़ा। ये नहीं कहा कि उन्होंने इधर हमले करवाया, ये नहीं कहा उन्होंने इधर दहशत के भेजे, ये नहीं बोला कि हम सिर्फ इतना समझाया जितनी जरूरत उनकी बच्चों की, मतलब उनके जहनों में ये चीज मैं भी नोट कर रहा था, मुझे ये टीचर का बहुत ही अच्छा ये बयान लगा। तो क्या हमने सिर्फ इतना बताया कि वो एक अलग मुल्क है, उसके अपने मसाले हैं, हमारे अपने मसाले हैं, हमने अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ, यार उस टीचर के लिए लायक है। वाकई में वो भी तो ऐसा अच्छा काम किया, आगे नफरत बच्चों को सिखाएगी। अच्छा ये तो नहीं होना चाहिए ना कोई हमारे ये, लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क के अगर बच्चों को देख ले तो वो कहते हैं कि हमने इंडिया के खिलाफ जिहाद करना। फर्क बताया जा रहा है कि भाई जो कश्मीर के बच्चे हैं उनको ये बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है एक सिर्फ अलग मुल्क है, उसके अपने मसाइल हैं और हमारे अपने हैं, उसके यानी कि कोई नेगेटिविटी नहीं बताई जाती कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, या ऐसी ऐसी बातें नहीं बताई जाती जो हमारे मुल्क में हमारे मदरसों में और हमारे स्कूल्स में बताई जाती हैं। क्योंकि काफी वीडियोस में भी हमने देखा है तो हमारे जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं, हालांकि हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो की थी उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट बच्चे, इतनी उम्र थी उनके भी, तो उनसे पूछते हैं भाई इंडिया को आप क्या समझते, तो वो कहते हैं हमारा एक दुश्मन मुल्क है और हमें लड़ना चाहिए, तो एक कहता है कि मैं मेरा दिल करता है कि मैं उस पर एटम बम फेंक दूं। ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, ये सोच है, सोच का डिफरेंस। काम पता है वो क्या करता था, जो सोच आप खुद ब खुद डिफरेंट होनी है। जब वो टीचर कह रहा है जो हमने सिर्फ इतना दिखाया कि उनके अलग मसाला हमारे अलग के, हमें आगे बढ़ना, तो हमारे क्या यार देख ले उनकी सोच में बच्चों की, चाहे सभी आईपीएस सभी, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, और भाई ये बुनियाद है, ये हमारे ऊपर थप्पड़ है भाई जो है ना, बिल्कुल ये चपेड़ है जो हमारे पाकिस्तानी लोग ये सोचते हैं कि उधर के कश्मीर के लोग या बच्चे जो है या वो उनको इधर हमारे साथ मिलना चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें अब झूठ नजर आ रही है। ऐसे ही है।
ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए था, ये सिर्फ सुनाने के लिए था। हमारी कंपनी ने हमारे लोगों के जहनों में ये जहर घोल दिया गया। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अटैच नहीं है सोशल मीडिया से, वो आज भी कहते हैं भी उधर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है यार, ऐसा जुल्म हो तो यहाँ तो ये बच्चियों को तकलीफ। वो कह रहे थे टीचर्स मुझे पूछ रहे थे देख रहे इधर बच्चों से इधर ज्यादा बच्चियां और ये नजर भी आ रही है बच्चियां ज्यादा थी, वो तो हमें भी पता है। उस एंकर ने ये सवाल अच्छा किया था कि वैसे इस्लाम के अंदर या वैसे मुसलमानों के अंदर ये रिवाज नहीं है बच्चियों को पढ़ाने का, मैं कह रही हूं हमारे यहां भी ऐसा नहीं है। ये गलत है, किसने कहा कि इस्लाम में नहीं यार, नहीं इस्लाम नहीं मुसलमानों के अंदर बात की, ये रिवाज नहीं है। ये नहीं कि इस्लाम ने मम्मे मना किया, ये उसने बात नहीं किया मुसलमानों में। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो नंबर जंप मैंने वो सुनाई ना, वो लड़की टॉपर ज्यादा लड़की होती है, जितने भी टॉपर है वो लड़की ही होती है। तू भाई ये LOC के करीब की बच्चे हैं, LOC के करीब का स्कूल है, उसका डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन काफी वीडियो की हुई है, वेल डिसिप्लिन हमने देखा है। वाकई में तालीम का मियार है इंडिया में वैसे भी, और अब तो तकरीबन जम्मू में भी ना वही सिलसिला चला रही है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो खैर तालीम की बात अगर करें इंडिया में तो वो बहुत आगे की चीज हो गई है हमारे यहाँ एक मुकाबले का। हमारा तो कहीं भी हम लोग मिल सकते इंडिया के साथ। यार ये कश्मीर है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये चलो ठीक है बाकी एरिया इंडिया का, तो ये वो कश्मीर है जहाँ हम गला फाड़ पड़ के कहते हैं कि भाई वो तो जुलम हो रहा है, अभी भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं, आज भी हमारे गांव में कितने लोग हैं ना काकड़ है, वो कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाता तो अभी भी वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है, बात करता है कश्मीर पर। मैं अब यू अब गया नहीं था यूनाइटेड नेशन, उधर भी उसने बात की थी। मैंने ये नहीं कहा, ये मैंने आज तक नहीं कहा कि इंडिया सारा ठीक हो, कश्मीर में आज भी मसाइल होंगे। क्या हमारे बलोचिस्तान में मसाइल नहीं है? हमारे बलोचिस्तानियों ने धरना नहीं दिया हुआ? तो क्या आज ये हम कहना शुरू करें पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है? पाकिस्तान इंडिया में भी आज भी मसाइल होंगे, लेकिन उसने कंट्रोल उस पे कर कंट्रोल है, अच्छे की तरफ उनकी कोशिश तो है, कदम तो है। यार इतनी सहूलियात आप देख लें कि उन कश्मीरियों को दी हुई हैं, कितनी सहूलियात हम कोई गिन नहीं सकते। सबसे जो अहम है वो है जम्मू श्रीनगर की, हो नहीं रही इन बच्चों की बातें सुनकर, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे सोच के। पहले भी जम्मू कश्मीर के स्कूल की वीडियो हमने की हुई है, हमने देखी हुई है भाई। हमारा जो है ना भाई मुकाबले का इम्तिहान CSS है, मैं समझता था कि बहुत ज्यादा टफ ये एग्जाम है, इंटरनेशनल लेवल पर होगा, लेकिन ये सिर्फ नेशनल अपनी कंट्री में ही है। सिर्फ जो है ना ये IPS है, ये वाला एग्जाम IPS IAS ये बहुत ज्यादा वाकई ये इंटरनेशनल, मैंने सुना है UPSC भी है, हाँ इस तरह के और भी बहुत से एग्जाम है। ये देख लें कि इतने मुश्किल एग्जाम है, वो बच्चों का भी से ख्वाब बन गया कि हमने बड़ा अफिसर बनना है ये एग्जाम देकर। तमाम बच्चों की ये सोच ऐसे ही है, मैंने IAS किसी का, मैंने IAS बनना, किसी का IPS बनना, सोच का फर्क है। और सोच ही असल बुनियाद है, हमारी नीयत, जिसे हम नीयत बोलते हैं वो सोच होती है, हमारी नीयत क्या है, उनकी नीयत अच्छे की है, ऐसे ही अच्छा मिलेगा, अच्छा करेंगे। हमारी नीयत क्या है? अल जिहाद। क्या मिलेगा हमें आज तक, क्या मिला है सिवाय दुख के, परेशानी के, और खुद ही अपने बनाए हुए गड़े में खुद ही गिर रहे। यार वाकई बड़ी सोच डिफरेंट है इनकी और हमारे बच्चों की। ये देख लें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी कितनी अच्छी सोच है, और हमारी हमारे अभी भी कहते हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें लड़का था, वो कह रहा था कि आप इंडिया के बारे में, जो अभी उस इंटरव्यू लेने वाला था ना, वो कह रहा था कि आप इंडिया के बारे में क्या सोच सकते हैं। वो कहते हैं कि वो एक दुश्मन कंट्री है और काफर है, मैं मरते मरते 40-50 हिंद जो है ना काफर। ये हमारे भाई जो हमारे मदरसे हैं ना, हमारे स्कूल्स हैं, उनमें हमारी हालांकि बुक्स में भी लिखा हुआ है ये कि इंडिया जो है वो हमारा एक दुश्मन कंट्री नहीं, नहीं इस तरह वाजिया नहीं, ये नहीं लिखा हुआ भाई, गद्दार लिखा, गलत ये आप बोल रहे हैं, लिखा हुआ है। आप मैं आपको दिखा दूं, दिखा दें दुश्मन बोल। खैर सोच अच्छी थी, शानदार थी वीडियो उधर के बच्चों की, ये नशनुमा, ये ग्रोथ देकर, ये सोच देकर अच्छा हुआ, इत्मीनान मिला कि उधर के बच्चे अब IPS बनेंगे, अफिसर बनेंगे, और इंडिया के मुल्क की बागडोर संभालेंगे। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।